मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हिसार कोयम्बटूर एसी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने की घटना हुई है। घटना नीलजे और तलोजा रेलवे स्टेशन के बीच में रविवार की दोपहर में हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का काम भी शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हिसार कोयम्बटूर एसी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना हुई है, जिसके बाद यात्रियों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया था और हिसार कोयम्बटूर एसी एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। यात्रियों में आग की लगने की खबर फैलते ही दहशत फैल गई और आग लगने के बाद कई यात्री एक्सप्रेस से बाहर निकल आए, लिहाजा रेलवे ट्रैक पर यात्रियों की भीड़ भी देखी गई। आग पर काबू पा लेने के वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस ट्रेन के माल डब्बे में आग लगी थी और इस माल डब्बे को अलग कर दिया गया है और ट्रेन को आगे बढ़ा दिया गया है। इस घटना के कारण कुछ समय के लिए रेल सेवा प्रभावित हुई और रेल कर्मचारी इसे सुलझाने में लगे रहे। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसकी जांच की जा रही है।